Hey, what's up guys and welcome back to another amazing episode of Raving Miles. और guys, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कई बार लंबे लंबे ट्रिप पे निकल जाते हैं या फिर काफ़ी लंबा राइड हो जाता है बाइक का और एक्सट्रीम रोड कंडीशंस में भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसके कारण से जो हम लोग का बाइक्स में इम्पैक्ट पड़ता है या इफ़ेक्ट होता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या मेंटेनेंस पे ध्यान रखना है ताकि आप अगर ऐसे लंबा टूर करो तो आपका बाइक स्टिल एक नंबर कंडीशन पे मेंटेन रहे। और ये लास्ट ईयर पे मैंने अच्छा खासा ट्रिप मार दिया था, लाइक डोंग वैली, फिर अनिनी और लोंगवा। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा और या फिर कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, ये वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है और मैं एक सर्विस भी करा रहा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी चेंज कर रहा हूँ, उसका कॉस्ट भी आपको मालूम चल जाएगा अगर आप MT15 रखते हो अपने पास। और टोरिंग के भी वीडियो देख सकते हो, तो मेरा पूरा भरा भरा है टोरिंग का वीडियो MT15 के साथ और आज एक सर्विस होने वाला है, उसका भी कॉस्ट आपको रिवील हो जाएगा, तो लास्ट तक देखना गाइस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ये वीडियो को। तो गाइस, हम लोग काफ़ी लंबे लंबे रूट्स पे हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर एक्सट्रीम रोड कंडीशंस पे भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो पहला बात यह आता है कि जब भी आप एक लंबा टूर मारो या ट्रिप पे जा रहे हो तो पहले बाइक का सर्विस करा लो और एक बार चेक कर लेना कि मतलब कि कौन सा आपका पार्ट सही है, सब पार्ट अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सस्पेंशंस वगैरह, टायर, फिर स्प्रॉकेट, तो वो चीज़ मेन है। तो चलिए, पहले आप एक बार सर्विस कर दीजिए, उसके बाद जब रिटर्न फिर आएंगे फिर और एक आपको चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको फिर से एक बार सर्विस करना। हाँ गाइस, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में बाइक चल गया है तो आपको फिर से आने के बाद एक सर्विस कराना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई पार्ट ख़राब नहीं हुआ है तो एक हल्का फुल्का ऑयल चेंज ही करा दो, ये भी बहुत है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जो आपको चेंजेस कराना मैंडेटरी होता है। तो पहला नंबर पर आएगा ये चेन स्प्रॉकेट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइक का, जो आपका स्पीड, पिकअप और मतलब जो सेफ्टी मेजर्स पे मैं बोलूँगा। कभी कभी क्या होता है, चेन स्प्रॉकेट लूज़ हो जाता है तो निकल जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस भी रहते हैं। तो ये अगर आप लाइक 10 to 15,000 किलोमीटर्स पे आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप ख़राब रास्तों पे ज़्यादा चला रहे हो तो जल्दी घिस जाएगा ये, तो आपको ज़रूर से ज़रूर चेंज करवाना है। नेक्स्ट आएगा कि हम लोग ज़्यादा ख़राब रास्ते पर चलाते ना तो बाइक का क्या होता है, कई बार ऑयल सील लीक होता है। ऑयल सील आपको देखना है, अगर शॉक एब्जॉर्बर से अगर आपका ऑयल लीक हो रहा है डेट मीन्स ऑयल सील आपका टूट चुका है, दोनों एक साथ रिप्लेस करना, ठीक है। एक साथ रिप्लेस करोगे ना, एक वाला पार्ट रिप्लेस करोगे तो दूसरा फट जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साथ में आपको रिप्लेस करना है अगर ये लीक हो रहा है आपका। फिर आपका जैसे ही आप एक्सट्रीम लेवल चलाते हो तो कूलेंट, बहुत सारे बंदे क्या कराता है, बाहर से सर्विस कराएंगे, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर वगैरह तो चेंज कर देंगे, लेकिन मैं बहुत सारे बाइक्स में देखा हूँ कि कूलेंट तो होता ही नहीं है कूलेंट उन लोग का बाइक में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाइक में आपको कूलेंट वगैरह थोड़ा सा अच्छे से आप रख के चेक कीजिए, तभी आपका बाइक भी ठंडा रहेगा। फिर आएगा गाइस आपका जो टायर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा ग्रिपिंग के लिए एक अच्छा टायर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मेरा अभी थोड़ा सा घिस चुका है, मैं थोड़े मंथ्स बाद इसको चेंज कर लूँगा, जैसे मॉनसून आएगा, मॉनसून से पहले मैं इसको चेंज करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस ये एक साथ जो मैंने बोला स्प्रॉकेट, सर्विस और टायर बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते हैं, अगर ऑयल सील भी होगा तो और ज़्यादा कॉस्टली, लाइक इसका टायर का आगे पीछे दोनों साथ में आपको रिप्लेस करना है, एक साथ आपका कॉस्ट आ जाएगा अराउंड 5,000। अच्छा टायर, सस्ता वाला मत लगाना, जल्दी घिस जाएगा, एक MRF वाला लगाओ या थोड़ा सा अच्छा वाला सीएड वगैरह लगाओ, थोड़ा सा अच्छा चलेगा, लाइक 5,000 एवरेज में पकड़ लो। स्प्रॉकेट का आप 2,400 to 2,700 पकड़ लो सर्विस चार्जेस मिला के, तो मतलब अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो ये चीज़ आपको है कि चेंज तो करवाना है, लेकिन अगर पैसे नहीं हो रहे तो टाइम लेके करो, लेकिन ज़रूर से ज़रूर करो। आज हम लोग एक सर्विसिंग करने वाले हैं, फुल सर्विसिंग, ऑयल वगैरह सब चेंज होगा, कूलेंट वगैरह डलेगा, साथ में हम लोग इसका चेंज करने वाले हैं स्प्रॉकेट, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 आप चल चुका है और मैंने बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी राइड किया था,
तो इसलिए जल्दी से जल्दी घिस गया ये, तो इसको चलिए आज इसको चेंज करने का बारी आता है। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं हम लोग सर्विस सेंटर, और वहाँ पे जैसे सर्विस हो जाएगा पूरा बिल क्या करा है क्या नहीं मैं एंड में बोलूँगा कि कितना कॉस्ट पड़ा, किस पार्ट का कितना हुआ और लेबर चार्जेस का आपका कितना खर्चा आएगा। तो चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से सर्विस सेंटर, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर। अबे सुबह सुबह जब निकला था लाइक बहुत ही मैं सोचा जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन पहुँचते पहुँचते अभी टाइम देख रहा हूँ तो 12 बजने वाले हैं। अभी देखते हैं कितना बजे बाइक मिलता है मुझे, और फिलहाल के लिए हम लोग अभी डीलर पहुँचने वाले हैं, डिब्रूगढ़ का जो डीलर है या वहाँ वॉल्ड वो हम लोग पहुँचने वाले हैं। और थोड़े बहुत एक बार देख लूँगा कि बाइक में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है जो कि मैं मुझे नहीं पता, तो वो अगर होगा तो इन फ्यूचर मैं चेंज करवा लूँगा पार्ट्स, लेट्स सी क्या होता है। चलो गाइस डीलर तो अभी पहुँच गए, बाइक को लगाते हैं अभी साइड पे लगा लेते हैं, फिर अंदर एक बार चल के एंट्री करना पड़ेगा अभी। सर्विसिंग एंटीमाइडिया आरसी दी बाइक तो बाहर चेंज पकेट और सर्विस पेड ना पेकेज तो आ The next morning. तो गाइस हम लोग ने अपना वैनम का सर्विसिंग करा दिया था, और मैंने जो जो पार्ट्स का चेंजेस किया वो मैं बताऊंगा और कितना कॉस्ट पड़ा उस सर्विसिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो वैनम का पूरा सर्विसिंग वगैरह हो गया था, और यहाँ पे पूरा धुल के पॉलिश मार के मस्त होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वेदर जो है पूरा क्लाउडी है और सुबह सुबह बारिश भी हो गया तो आज गंदा होने वाला है, फिर ये चीज़ बुरा लग गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो चेंज प्रोकेट है बिल्कुल नया डलवा चुका हूँ, और साथ साथ इसका जो ऑयल चेंजेस और ये क्लच केबल भी मैंने चेंज करवा दिया था। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बिल यामाहा डीलर से डिब्रूगढ़। थोड़े बहुत चीज़ें जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको बताऊंगा, कि एक सबसे गंदा चीज़ लगा इसका जो क्लच केबल है ना, यहाँ पे आप प्राइसिंग देखो लगभग 154 रुपीस का केबल आता है, लेकिन जो लगाने का चार्जेस देखो 295 और GST मिला के 300 पार्ट, मतलब पार्ट्स का जितना दाम नहीं है उससे डबल फिटिंग चार्जेस का लगा रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही गंदा लगा, और मैं अगर पार्ट्स डीलर से ख़रीद के और स्प्रोकेट भी बाहर से ख़रीद के मैं बाहर में लगा लेता ना, डीलर पे ख़रीद के बाहर में इंस्टॉल कराता ना, तो फिर भी मतलब कम पैसों में हो जाता और फिनिशिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है यार, क्या ही बोलूँ। तो ये चीज़ें मेरे को तो इतना पसंद नहीं आया। और सर्विसिंग के नाम के क्या क्या हुआ कल, कि आपका ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, फिर आपका ऑयल डलवाया गया, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हुआ, और फ्यूल जो ये टैंक है उसमें थोड़ा सा क्लीन हुआ, और स्प्रोकेट और क्लच केबल चेंजेस हुआ। तो इसका जो एस्टिमेट बिल था मेरा लगभग 5000 के आसपास आना चाहिए था, या फिर मान लो हाँ 5000 आराम से आ ही जाता, लेकिन मैंने एक पैकेज लेके रखा था AMC बोल के, तो इसमें हम लोग का कॉस्ट आया 3981 रुपीज़, जो कि एस्टिमेट मैंने किया था कितना ही एस्टिमेट आ सकता है तो उतना ही आया, लगभग 4500 का एस्टिमेशन हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाया क्योंकि जो मैकेनिक था उसने बोला कि अभी भी चलेगा, तो उसको वॉश करके फिर वही फिट कर दिया है। और बाकी रहा कूलेंट, हाँ कूलेंट भी मतलब सही लेवल पे था, ज़्यादा मतलब कम नहीं था, तो इसलिए कूलेंट भी नहीं डलवाया गया, तो इसी कारण से मतलब थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आया, नहीं तो आपका मान लो कि 4600-4700 के आसपास आपका जो पूरा टोटल कॉस्टिंग आ जाता।
तो गाइस ठीक है चलो, यही है मैंने जो मेंटेनेंस किया, यही मेंटेनेंस का ध्यान रखना अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो या फिर ख़राब रास्ते एक्सट्रीम रोड कंडीशंस पे आप राइड करते हो। यही चीज़ें अगर रिप्लेस करते रहोगे या मेंटेन करोगे बाइक को, तो आपका जो बाइक का कंडीशन है एक नंबर फर्स्ट क्लास रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ ध्यान जानना है कि हम लोग अगर टूरिंग करते हैं MT15 पे लॉन्ग राइड जाते हैं, तो क्या क्या पार्ट्स इंस्टॉल करने से बाइक का जो हैंडलिंग या फिर राइड क्वालिटी हम लोग का इम्प्रूव हो सकता है, तो अगर ये देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू कॉमेंट, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसका से एक्सेसरीज है, जैसे मेरे पास टॉप बॉक्स रैग है, ये भी मैं इंस्टॉल करके रखता हूँ, हालांकि अभी सिटी राइड्स के लिए मैंने खोल के रखा है। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, सायोनारा, साइनिंग ऑफ।